पलक शर्मा और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री से टॉपिक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं एंड देखिए इसमें आपसे क्या बोलेगा कि आपको एक पर्टिकुलर लाइन बोल देगा एंड आपको पॉइंट गिवन होगा, आपसे बोलेगा इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताइए लाइन से कितनी है। एक तो आपसे इस तरीके से क्वेश्चन होगा, दूसरा आपसे बोलेगा ये हमारे पास में लाइन है, ये पर्टिकुलर पॉइंट है, इस पर्टिकुलर पॉइंट की क्या इमेज है। अगर लाइन को हम लोग मिरर मान लेते हैं तो इस पर्टिकुलर पॉइंट की कहाँ पर इमेज बनेगी उसके कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करने के लिए बोल देगा। तो ये दोनों चीज़ें हम लोग आज की वीडियो में समझ लेंगे और जितने टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ जाते हैं वो भी हम आज की वीडियो में देख लेंगे। इससे पहले आई होप कि आप लोगों ने इक्वेशन ऑफ अ लाइन वाली वीडियो देख ली है, लेक्चर नंबर 2 आपको इस चैप्टर का देखना है, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अगर आपने इक्वेशन ऑफ अ लाइन वाली वीडियो देख ली तो वेल एंड गुड, आपको सारे टॉपिक्स आई होप समझ में आ रहे होंगे, इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन, एंगल बिटवीन टू लाइन, या फिर आपका ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आप लोगों को ये सारे टॉपिक इजीली क्लियर हो जाएंगे। बट बाय चांस अगर आप लोगों ने नहीं देखी है वो वीडियो तो आई वुड रिकमेंड कि आप लोग एक बार जाकर के उस वीडियो को देख लें, उसके बाद अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको वो और अच्छे से क्लियर होने वाला है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम लोग देखेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ लाइन और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हमने मान ली कि हमारे पास में एक लाइन है x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल्स टू y माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल्स टू z माइनस जेड वन अपॉन सी इज इक्वल्स टू लैम्डा और आपके पास में पॉइंट है p अल्फा बीटा गामा। अब हमें क्या करना है, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन से d हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, तो सबसे पहले इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए हमें यहाँ के चाहिए एक जनरल कोऑर्डिनेट। तो हम इस लाइन की हेल्प से x, y एंड z की वैल्यूज को यहाँ पर लिखते हैं। तो x हमारे पास में क्या हो जाएगा, x1 प्लस a लैम्डा, y हमारे पास में क्या हो जाएगा, y1 प्लस b लैम्डा, z हमारे पास में हो जाएगा z1 प्लस c लैम्डा। तो ये हमने q के एक जनरल कोऑर्डिनेट मान लिए, यहाँ पर हमें लैम्डा की वैल्यू नहीं पता है कि क्या है, और p हमें गिवन है अल्फा बीटा गामा। अब हमें फाइंड आउट करनी है यहाँ से आपकी डिस्टेंस आपकी कितनी है। तो अब हमें क्या करना होगा, इसके लिए आपके कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स हैं उनको आपको फॉलो करना है। सबसे पहले हमें फाइंड आउट करने होंगे डायरेक्शन रेशियो पी क्यू के। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करेंगे पी क्यू के, जो आपको मिल जाएंगे क्यू माइनस पी करने से। ओके, डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट किए पहले पी क्यू के, दूसरा आप करेंगे डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट इस वाली लाइन के, एंड उसके बाद हम लोगों को पता है कि क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो इनके डायरेक्शन रेशियोज का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो हमें जीरो देगा। तो इसके डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट किए, इसके फाइंड आउट किए, दोनों का डॉट किया, ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इक्वेट कर दिया हमने जीरो के। सिंपली आपके पास में जब आप इसको इक्वेट करेंगे जीरो के, लैम्डा की एक वैल्यू आएगी, लैम्डा की वैल्यू आने के बाद आप उस लैम्डा की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो आपके पास में क्यू पॉइंट आ जाएगा। अब आपके पास में पी है, क्यू है, आप लोग डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल करके डी निकाल सकते हैं। अब हम इसको एक बार क्वेश्चन से देख लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग को आगे बढ़ना है। तो आपसे बोला है फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस ऑन द लाइन दिस एंड ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। मतलब क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपके पास में एक लाइन है, आपको पॉइंट गिवन है 0, 2, 3, इस लाइन के ऊपर आपको फाइंड आउट करना है कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर, जब आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे इस वाली लाइन पे तो क्या फुट के कोऑर्डिनेट आएंगे, क्यू कितना होगा, और उसके बाद आप लोगों को इनके डिस्टेंस भी फाइंड आउट करनी है। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए आपको लाइन की इक्वेशन है x प्लस थ्री अपॉन फाइव इज इक्वल्स टू वाई माइनस वन अपॉन टू इज इक्वल्स टू जेड प्लस फोर बाई थ्री इज इक्वल्स टू लैम्डा। यहाँ से जब आप x की वैल्यू को निकालेंगे हो जाएगा फाइव लैम्डा माइनस थ्री, y आपके पास में आ जाएगा टू लैम्डा प्लस वन एंड z हमारे पास में आ जाएगा थ्री लैम्डा माइनस फोर। क्लियर हुआ, ये हमारे पास में x, y एंड z के जनरल कोऑर्डिनेट इस पर्टिकुलर पॉइंट के आ गए। अब क्योंकि हमें पता है कि किसी भी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके डिनोमिनेटर से फाइंड आउट करते हैं, तो इस वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हमारे पास में जाएंगे 5, 2, 3। क्लियर हुआ, इसके डायरेक्शन रेशियो आ गए 5, 2, 3। इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या आएंगे हमारे पास में, क्यू माइनस पी करेंगे हम लोग। तो पी क्यू लाइन के डायरेक्शन रेशियोज अब हम लिखते हैं यहाँ पर, तो पी क्यू लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हमारे पास में ए वन आ जाएगा 5 लैम्डा माइनस थ्री माइनस जीरो, बी आ जाएगा हमारे पास में 2 लैम्डा प्लस वन माइनस टू, ये हो जाएगा 2 लैम्डा माइनस वन, सी एम वन हमारे पास में आ जाएगा 3 लैम्डा माइनस फोर माइनस थ्री, ये हो जाएगा 3 लैम्डा माइनस सेवन। तो ए वन बी वन एंड सी वन पी क्यू के डायरेक्शन रेशियो हमारे पास में आ चुके हैं। अब अगर मैं डायरेक्शन रेशियो गिवन लाइन की बात करूँ तो हमें पता है 5, 2 एंड 3 हो जाएंगे। अब क्योंकि पी क्यू लाइन के परपेंडिकुलर है तो दोनों के डायरेक्शन रेशियोज का डॉट हमें करना है जीरो के इक्वेट, तो ये हमारे पास में आ जाएगा ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इज इक्वल्स टू जीरो।
अब हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन में आपकी वैल्यूज को पुट करेंगे, ए वन ए टू बी वन बी टू एंड सी वन सी टू उसकी। तो यहाँ से जब आप ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू की वैल्यू को पुट करेंगे और इसको इक्वेट करेंगे जीरो के, तो लैम्डा हमारे पास में आ जाएगा वन। क्लियर हुआ? इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। लैम्डा आपके पास में यहाँ से आ जाएगा सिंपली वन। एक बार आपके पास में लैम्डा वन आ जाएगा तो यहाँ से आप लोग इसमें पुट करके क्यू के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। क्यू के कोऑर्डिनेट आपके पास में है फाइव लैम्डा माइनस थ्री, टू लैम्डा प्लस वन, एंड थर्ड आपके पास में कोऑर्डिनेट है थ्री लैम्डा माइनस फोर। ठीक है, अब इसमें हम लोग लैम्डा की वैल्यू वन पुट करते हैं तो ये आपके पास में जाएगा फाइव इंटू वन माइनस थ्री दैट इज टू, टू इंटू वन प्लस वन दैट इज थ्री, थ्री इंटू वन माइनस फोर दैट इज माइनस वन। तो ये हमारे पास में आ गया टू थ्री माइनस वन क्यू के कोऑर्डिनेट। तो एक बार आपने यहाँ से क्यू के कोऑर्डिनेट निकाल लिए, अब आप लोगों को सिंपली क्या करना है, पी क्यू की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो पी आपको गिवन है, क्यू आपने निकाल लिया, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके हम लोग पी क्यू के बीच की डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक सारे लोगों को क्लियर हुआ होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपसे बहुत बार पूछ लिया था एग्जाम में और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, इंपॉर्टेंट आप इसे मार्क कर लीजिए। यहाँ पर आपसे बोला है फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट दिस इन द लाइन दिस, आपको ये लाइन गिवन है और यहाँ से आपको इस वाले पॉइंट की इमेज फाइंड आउट करनी है लाइन में क्या होगी। तो आपको इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, ये आपके पास में लाइन है, ये आपके पास में पॉइंट है 163, इसकी इमेज फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, ये वाला पॉइंट तो फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका फुट हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया। उसके बाद हमें पता है कि ये जो आर होगा उसको किस तरीके से फाइंड आउट करना है, फिर वो देखेंगे। तो अब इसके लिए थोड़ा ऊपर बनाते हैं डायग्राम को। ये लाइन है, ये पॉइंट है 163, यहाँ से हम लोगों ने आई और परपेंडिकुलर फुट से हमने ये वाला पॉइंट निकाल लिया और हमें इमेज चाहिए। अब हमने चीज़ पढ़ी हुई है कि अगर हम मिरर में कोई चीज़ देखते हैं, यहाँ से अगर हमें इमेज निकाल लें और एक 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 चीज़ यहाँ पर रखी है और वो डी डिस्टेंस आगे रखी है, तो उसकी इमेज क्या बनेगी, डी डिस्टेंस पीछे ही बनेगी। ये हमने पढ़ा हुआ है सिंपल मिरर के केस में, प्लेन मिरर के केस में जो चीज़ आपकी यहाँ पर रखी हुई है उसकी जो इमेज बनेगी वो उतना ही पीछे बनेगी जितनी आगे आपकी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट रखा है। तो अब हमें पता चल चुका है कि क्यू क्या होगा, आपका पी और आर के बीच का मिड पॉइंट निकल के आ जाएगा। अब हमें क्या पता है, पी पता है, क्यू पता है, आर को हम लोग एक्स वाई ले लेते हैं और हम यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे और आपके पास में आर आ जाएगा। क्लियर हुआ? अभी हम देखते हैं किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता है कि हम यहाँ से, हमारे पास में लाइन गिवन है, इसके हमने पर्टिकुलर एक कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिए। इस अब हमें पता है पी क्यू और जो लाइन के डायरेक्शन रेशियो होंगे एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो डॉट उनका जीरो आएगा। तो पी क्यू के डायरेक्शन रेशियोज हमारे पास में क्या हो जाएंगे, लैम्डा माइनस वन, बी वन आपके पास में आ जाएगा टू लैम्डा प्लस वन माइनस सिक्स, और फिर आपके पास में सी वन आ जाएगा थ्री लैम्डा प्लस टू माइनस थ्री। नेक्स्ट आपके पास में लाइन के डायरेक्शन रेशियो आ जाएंगे वन टू एंड थ्री। अब क्योंकि पी क्यू परपेंडिकुलर लाइन के, उसको इक्वेट करेंगे, लैम्डा आपके पास में यहाँ पर वन आ जाएगा। क्यू के कोऑर्डिनेट्स के लिए यहाँ पर लैम्डा वन पुट करेंगे, आपके पास में क्यू के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे वन थ्री एंड फाइव। अब लगाते हैं हम लोग यहाँ पर अपना सेक्शन फॉर्मूला। जब आप यहाँ पर अपना सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे पी क्यू एंड इमेज के लिए, तो आपको पता है सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है कि x1 प्लस x2 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट। अगर हमारे पास में ये दो पॉइंट है x1 y1 z1 और आपके पास में नेक्स्ट पॉइंट है x2 y2 z2, और अगर हमें बीच का मिड पॉइंट निकालना है तो हम क्या करते हैं x1 प्लस x2 बाय 2, y1 प्लस y2 बाय 2, z1 प्लस z2 बाय 2। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस x2 बाय 2 इज इक्वल्स टू 1, 6 प्लस y2 बाय 2 इज इक्वल्स टू 3, 3 प्लस z2 बाय 2 इज इक्वल्स टू 5। यहाँ से x2 y2 एंड z अप टू आपके पास में आ जाएगा, इसे हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज 107। क्लियर हुआ? बहुत ही सिंपल था, सिर्फ सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पर आप लोगों ने लगाया है। सो आई होप जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने आज की वीडियो में समझे, आज की वीडियो में करे, वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुए होंगे। एंड इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी क्वेश्चन, रिगार्डिंग एनी प्लेलिस्ट, रिगार्डिंग एनी लिंक, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। अगर आप घर पे कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करें उसमें कोई डाउट है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड आपको वीडियो कैसा लगा वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपका कोई फीडबैक, कोई क्वेरी, कोई सजेशन है वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ में, जिससे उनका भी कोई भी लेक्चर मिस ना हो। एंड उसके बाद आप लोगों को अपने चैनल के नेम के आगे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन मिलेगा, उस पर जरूर प्रेस कर दीजिए जिससे आप लोगों का कोई भी लेक्चर मिस नहीं होगा। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करने के बाद जब आप बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर देंगे ना, उसके बाद जैसे ही मैं ऐसे कोई वीडियो डालूंगी वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचेगी, तो कोई भी लेक्चर, कोई भी नोटिफिकेशन आपका मिस नहीं होगा। तो टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर टिल द एंड। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।